गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है नेशनल और इंटरनेशनल बोथ हॉर्स रेसिंग टिप्स उम्मीद करता हूं सभी अपने अपने स्थान पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों अब हैदराबाद की रेसेस है और आज हैदराबाद है कल भी हैदराबाद है हैदराबाद में बारिश रात को हुई है बाकी काफ़ी टाइम से हैदराबाद में बारिश हो रही थी तो नो डाउट पिच बहुत गीली होगी यार तो दौड़ने में थोड़ा सा तकलीफ तो होगा ही हॉर्सेस को और पढ़ना पड़ेगा चलो आप सभी की दुआएं रही आप सभी का सपोर्ट रहा बिलीव रहा ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस आज यहाँ तक पहुँचा यार एक बार और सभी भाइयों को बहुत बहुत थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम प्रसन्न है क्योंकि हम सभी को मालूम है पेड टिप्स के चैनल है नॉट फ्री टिप्स लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए सभी को एक बार धन्यवाद और एक डिस्क्लेमर भी है पेड टिप्स में नो श्योर शॉट नो गन शॉट नो कन्फर्म बेट हम हमारी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देंगे जो स्टडी में निकलेगा क्योंकि पढ़ाई करते हैं हम इसमें अब जैसे आते हैं हैदराबाद की पहली रेस में प्रेक्टिक्स में सभी का स्वागत है डिस्क्लेमर भी सभी को मालूम है क्योंकि रेसिंग बच्चों का खेल नहीं है कि उठा के मैं ऐसे ही दे दूं तो आते हैं पहली रेस हैदराबाद है में आज आठ रेस का कार्ड बनाया और ये नोट कर लेना कि बारिश का सीज़न था और सात दिन बारिश कंटिन्यूस हुई है कल भी रात को थोड़ी हुई है तो पहली रेस आते हैं मेडेन रेस है अब मेडन रेस में देखो स्टडी के मुताबिक ये बुक सबके हाथ में होती है हमारी तो एक ही चाहत रहती है कि हम थोड़ा स्टडी करके कुछ ऐसा निकाल लें आए नहीं है बात अलग है लेकिन स्टडी के मुताबिक जो निकलता है उस हिसाब से हम देते हैं तो यहाँ पर नौ नंबर ठीक है सभी लोग देंगे विंडोज़ क्योंकि अक्षय कुमार बैठ के और आज अक्षय मेरे ख्याल से आठ में से पाँच रेस पे इतने सालों का रिकॉर्ड बताता है यार पाँच की पाँच मार देगा क्या, क्या वो चाहे तो मार भी सकता है क्योंकि ये हैदराबाद है हैदराबाद है। है में आपने देखा होगा कि एंड ऑफ द मोमेंट में भी अगर वो 200 मीटर पे दूर है तो भी विन मार जाता है तो कहाँ जाती है हैंडीकैपिंग और कहाँ जाती है कैलकुलेशन तो रेसिंग में सिर्फ आपका तजुर्बा और एक्सपीरियंस ही काम आता है और स्टडी बहुत गहराई से करनी पड़ेगी तो नौ नंबर नो, नो डाउट वेरी गुड हॉर्स है और एक चार नंबर जो बोल वाले ने दिया है एज इट इज दे रहे हैं चार नंबर भी सबको मालूम है सकलेन बैठ के बैसन रिगार्डलेस ठीक है ना ये दो ही दिख रहा है बट नो चार से बेटर है बट चार नौ से बेटर है अक्षय कुमार को बैठा दिया है बोल के बट यहाँ सकलेन बैठ के तो ऐसा नहीं है कि जॉकी बेसते ही घोड़े आएंगे घोड़ों को भी बहुत देखा जाता है और कैलकुलेशन वगैरह भी देखी जाती है साथ में एट मोमेंट पेडॉक पे भी बहुत कुछ देखा जाता है और इसमें एक और हॉर्स है क्योंकि ये मेडन है तो फ्लाई मी फ्लाई में जो है किरण नायडू को बिठाया ठीक है ना क्योंकि नौ और चार ये तो बुक में भी है और सबको मालूम है छः नंबर नहीं है ठीक है ना हमारी टीम में फिफ्टी परसेंट लोग ऐसे भी हैं यार जो फोरकास्ट को नीला तनाला जैक पॉट एगजता और पता नहीं क्या क्या बैट खेलते हैं एस एच पी टी एस एच पी सौ हॉर्स पता नहीं कितनी बैट है तो इस वजह से हम कुछ ऐसा निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें कि भाव भी बेटर रहे और सिंगल में तो हम देते हैं जो बेस्ट हॉर्स होता है लेकिन गुड बैट भी देते हैं कल जैसे चार गुड बैट दी थी उसमें से तीन विन हो गए एक हमने अगेंस्ट में दे दिया था थर्टीन के अगेंस्ट में वन जो आपको भी शायद पेटिस में दिया था अब थर्टीन तो यार डे बेस्ट है उसे तो सारी दुनिया खेलेगी प्लेस खेलेगी या विन खेलेगी वो विन हुआ वन जो है बोर्ड पे नहीं आया ठीक है क्योंकि इसीलिए बोलता हूँ अब कई लोग बोलते हैं नहीं सर दो खेलनी है चार खेलनी है तो गुड गुडबैट तो ऑलरेडी देता ही हूँ मतलब कि जैसे आज आठ है तो उसमें से हम पाँच गुडबैट देंगे अब पाँच में से पाँच की पाँच भी आ जाए ऊपर वाले की मर्ज़ी स्टडी के मुताबिक बता रहा हूँ तो समझ गए इसमें हमारी तरफ से छक्का लेके चलो आए तो ठीक नहीं आए तो ठीक नौ तो सबको मालूम है और चार सबको मालूम है तो फिर यूट्यूब पे फिर टिप्स प्रोवाइड करा के करूँगा क्या मैं वो तो सबको मालूम है लेकिन क्या है मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि ये बच्चों का खेल थोड़ी ना एक उठाया दे दिया ये बड़ा सीरियस चैनल है ठीक है ना अब आते हैं डे बेस्ट पे डे बेस्ट है चौथी रेस और पहला दिन है बड़े बच बच के खेलना रेसिंग पूरी लाइफ टाइम रहेगी और अभी तो पाँच दिन कंटिन्यूस नौ दस तारीख तक कंटिन्यूस रेसेस है तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है एक दिन भी बेटर हो जाए तो सब कुछ अच्छा है <coughs> तो आते हैं फोर्थ रेस फोर्थ रेस में देखो राइवल जीत जाएगा इसमें अक्षय कुमार जीतेगा बाकी पांच रेस अक्षय के पास है घोड़े नो डाउट उसके पास बहुत बेहतरीन रहते हैं लेकिन अगर सारी मार जाए तो फिर रेसिंग का क्या होगा ठीक है तो राइवल ही जीतेगा बाकी इसके अगेंस्ट में एक है किंग्स क्या नाम है उसका जो तो स्टडी के मुताबिक आ रहा है किंग्स बेस्ट ठीक है तो राइवल को ही खेल जीत जाएगा ठीक है ना बट अपनी रिस्पॉन्सिबल गैमलिंग है ये तो ध्यान से खेलें ऐट दी पैडक एट दी मोमेंट क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जिसे सभी लोग खेलने जाते हैं वो उड़ भी जाता है तो वो कब मालूम होता है पहली रेस को देख करके के पहली जो दो तीन रेसेस गई है उसको देख करके होता है कि अब सिचुएशन क्या होगी उसे कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ रेसिंग यहाँ सारी हैंडी सब कुछ धरा का धरा रह जाता है उस वक्त जब एक मेन हॉर्स बोर्ड आउट हो जाता है ठीक है ना